दिल्ली में चल रहे अतिथि अध्यापक समर समिति के आमरण अनशन के अंतर्गत आज बड़ी संख्या में प्रदेश भर के अतिथि अध्यापक अध्यापक दिवस के उपलक्ष्य में काला दिवस मनाने के उद्देश्य से कमेटी चौक पर बाजू पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे और सरकार का पुतला जलाने एवं विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए। इसी बीच अतिथि अध्यापक संघर्ष समिति की प्रदेश अध्यक्ष मैना यादव करनाल की सब्जी मंडी स्थित स्टेट वाटर टेस्टिंग लैब करनाल की पानी की बहुमंजिला टंकी पर चढ़ गई और आत्महत्या करने का प्रयास करने लगी। इसी दौरान पूरा शहर मौके पर उमड़ पड़ा। मौके पर भारी पुलिस बल, महिला पुलिस बल इकट्ठा हुआ और मैना यादव को उसके नन्हे बेटे का वास्ता दिलाते हुए नीचे उतारने की गुजारिश की। बड़ी मशक्कत के बाद मैना यादव टंकी से नीचे उतरी। यहां पर पुलिस ने काउंसलर बुलाकर उसके काउंसलिंग करवाई और मेडिकल करवाया। यहां हम आपको बता दें कि करनाल में अतिथि अध्यापक अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री को खून से खत लिखकर, चुन्नी जलाकर एवं काली पट्टी बांधकर सरकार का विरोध किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज बड़ी कार्यवाही करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मैना यादव ने फिल्मी अंदाज में पानी की टंकी पर चढ़कर आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसको पुलिस प्रशासन एवं एसडीएम करनाल ने पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और मैना यादव को सकुशल टंकी से उतार लिया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से पुलिस बल मौजूद रहा। अतिथि अध्यापकों ने कहा कि अगर पुलिस मैना यादव को गिरफ्तार करके ले जाती है तो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि मैना यादव को पुलिस या सरकार किसी भी हद पर जा सकती है, इसको पागल भी घोषित कर सकती है। इसलिए उन्होंने मैना यादव को पुलिस की गिरफ्त में नहीं जाने दिया। मौके पर पूरा शहर उमड़ पड़ा। वहीं टंकी से नीचे उतरने के बाद मैना यादव ने कहा कि सरकार पिछले 14 सालों से उनको गुमराह कर रही है और मानी गई मांगे मान नहीं रही है और धोखा किया जा रहा है। गैस टीचर जिसके विरोध स्वरूप किसी भी हद तक जा सकते हैं। एसडीएम नरेंद्र पाल मलिक ने मौके पर पहुंचकर सारी स्थिति का जायजा लिया और अतिथि अध्यापकों को समझा बुझाकर उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन किया। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक विशेष रिपोर्ट। ओके, पारस शर्मा, प्रधान महासचिव हरियाणा अतिथि अध्यापक संघर्ष समिति। हमारी गेस्ट टीचरों की एक ही डिमांड है कि गेस्ट टीचरों को रेगुलराइज किया जाए। चुनावी घोषणा पत्र में 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम गेस्ट टीचरों को रेगुलराइज करेंगे, लेकिन तभी से लगभग 5 साल से गेस्ट टीचर हटते रहे और लगते रहे। अब भी एक्ट के नाम पर हरियाणा सरकार ने धोखा दिया है। उस एक्ट में कुछ भी नहीं है। उस एक्ट के अनुसार 26, 30 और 36 सैलरी मिलती है, जबकि रेगुलर टीचर के मुकाबले में वो आधे से भी कम है। जबकि हरियाणा सरकार इस बात की वाहवाही लूट रहा है कि हमने कितने दिन से बैठे आप करनाल में। हमें पिछले 5 दिन से करनाल में बैठे। आज क्या क्या कार्यक्रम रहा है? आज हम यहाँ काला दिवस मनाने के लिए आए थे और माननीय शिक्षा मंत्री की शव यात्रा निकालकर उनका पुतला फूंक रहे थे, तो बहन जी यहाँ टंकी पर चढ़ गईं और उन्होंने आत्मदाह की कोशिश की। लेकिन हम सभी ने उनसे आग्रह किया, उन्हें समझाया। उनके एक चिराग पुत्र ने आग्रह किया, ये शहीद की पत्नी है आपकी, वो कलंकित काम ना करें, तो बहन जी हमारा आग्रह से उतर आई। तो प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने अभी तक हमें कोई किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया है। प्रशासन तो ये चाहता है कि बहन जी को काउंसलर के द्वारा पागल घोषित करवा दिया जाए। तो आप क्या क्या आगामी कदम रहेगा? आगामी कार्रवाई हमारी यह है कि आने वाली 8 तारीख को हम सभी रोहतक इकट्ठे होंगे और रोहतक रैली में एक टीम बनाकर मुख्य प्रधानमंत्री की रैली का भारी विरोध किया जाएगा। साल का जो एक्ट पास किया हुआ एक नंबर का झूठा घोसला कुछ नहीं है भाई उसमें।
सारे गैर प्रतिनिधि अध्यापक जैसे पहले थे वैसे के वैसे 18 में और 18 फरवरी का भाई मीडिया वालों और आप खुद देख रहे हो अखबार उठा लो और सारे ये जो अपने पुलिस डिपार्टमेंट के इनके भी कोई बहन भाई मेरी तरह लग रहा होगा भाई, मरने का शौक किसी को नहीं लग चढ़ा हुआ भाई, वहाँ चढ़ना दो सीढ़ियाँ चढ़ के देखो, एक मेरा छोटा बच्चा मेरा के भाई बंदा बैठा पीछा, पर इस सरकार की वादा खिलाफ पीछे एक मैं एक विधवा की पत्नी, अरे सोचो जिसको भरे बाजार में इस बात पर सरकार ने नंगा कर दिया मुंडन करवाने के लिए छे, छे, छे। तब मुझे यह कदम उठाना पड़ा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है करनाल की प्रशासनिक जो पुलिस है उसके ऊपर और मीडिया के ऊपर कि वो मेरा जो विश्वास से इन्होंने मुझे नीचे उतारा वो विश्वास मेरा नहीं टूटने देंगे और मेरे सभी अतिथि अध्यापकों से निवेदन है कि वो शांति बना के रखे, मेरा एक ही निवेदन है सभी से कि पहले शांति से बैठे भाई, मेरे को बड़ी घबराहट हो रही है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज, राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।